छत्तीसगढ़ जांगीर चंपा एससी डॉक्टर शिवकुमार डहरिया। छत्तीसगढ़ स्टेट कोरबा मिसेस ज्योत्सना महंत। छत्तीसगढ़ 6 राजनांदन भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ दुर्ग राजेंद्र साहू। छत्तीसगढ़ रायपुर विकास उपाध्याय। छत्तीसगढ़ महासमुंद ताम्रध्वज साहू। कर्नाटका बिजापुर एससी एचआर अलगोर। कर्नाटका हावेरी अनंत स्वामी गड्डेवरा मत। कर्नाटका तुमकूर एसपी मुद्दना मेगौड़ा। कर्नाटका मंड्या। तो सबसे पहले जिन लोगों का नाम लिया गया, पहले नंबर पर नाम था राहुल गांधी और दूसरे नंबर पर नाम लिया गया भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की सीटों में नाम का ऐलान। और जो न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने आपको बताया था, लगभग वही लिस्ट फाइनल हो गई है। मैंने पहले भी कहा है, संभावित से सत्य तक न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। राजनांदगांव से भूपेश बघेल का नाम है, यह लगभग क्लियर हो गया था। रायपुर से विकास उपाध्याय, इनके सामने रहेंगे ब्रजमोहन अग्रवाल, लंबा चौड़ा उनका प्रोफाइल है। कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। दुर्ग से राजेंद्र साहू, यह नाम थोड़ा सा आपको चौंका सकता है, लेकिन हमने आपको बताया था साहू वोटर्स के चलते। और यहां से जिनका नाम चल रहा था उन्हें महासमुंद से जिम्मेदारी दी गई है। 39 उम्मीदवारों का कुल ऐलान इस लिस्ट में किया गया है। मध्य प्रदेश की बारी अभी नहीं आई है, छत्तीसगढ़ के कुछ नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। जांजगीर चांपा से डहरिया जो पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। राजनांदगांव से भूपेश बघेल, उनके सामने रहेंगे संतोष पांडे जो सिटिंग एमपी वहां से हैं। सामान्य वर्ग से पांडे आते हैं और पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखते हैं भूपेश बघेल। विधानसभा सीटों के लिहाज से कांग्रेस के लिए मजबूत सीट है। राजनांदगांव ओबीसी बाहुल्य है, यही वजह है कि भूपेश बघेल का नाम यहां से है। जांजगीर चांपा से शिव डहरिया, कोरबा से ज्योत्सना महंत तो उम्मीदवार बना दी गई, यह हम लगातार आपको बता रहे थे। कोरबा से नाम आया सरोज पांडे का, जिनकी राजनीति दुर्ग, राष्ट्रीय राजनीति भी उनके पास है, लेकिन उन्हें कोरबा से उतारा है बीजेपी ने। यानी ज्योत्सना महंत बनाम सरोज पांडे अब यह जंग हो चली है। और उसी के मुताबिक ज्योत्सना महंत ने अपनी रणनीति बदल ली है। वो बार बार बता रही हैं कि मैं तो बहू हूं, जज्बाती कार्ड उन्होंने खेलना शुरू कर दिया है। आज ऐलान भी हो गया, भूपेश बघेल कांग्रेस राजनांदगांव से, सामने होंगे संतोष पांडे बीजेपी की तरफ से, ये सिटिंग एमपी हैं। राजनांदगांव लंबित समय तक क्षेत्र रहा डॉक्टर रमन सिंह का। रायपुर से विकास उपाध्याय पूर्व विधायक हैं, टीम राहुल के हिस्से रहे हैं। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। जब राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस की लिस्ट को देखा जाए तो फिर सवाल उठता है कि इंडी गठबंधन कहां है। सीपीआई की तरफ से वहां एक कैंडिडेट उतार दिया गया है। अब वापस आते हैं छत्तीसगढ़ पे। 29 उम्मीदवारों का ऐलान कुल हुआ है, उसमें से कुछ जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। दुर्ग से शुरुआत में ताम्रध्वज साहू की बात आई, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि उन्हें जिम्मेदारी दे दी गई है। कहां की? महासमुंद की। वहां भी बड़ी तादाद में वोटर है साहू वोटर, यानी ओबीसी वोटर। जांजगीर के लिए शिव डहरिया, हमने आपको बताया था विधानसभा के नतीजों के आधार पर कांग्रेस के लिहाज से बहुत मजबूत लिस्ट है अगर विधानसभा देखा जाए। जांजगीर लोकसभा सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित है और शिव डहरिया एससी समाज से आते हैं। कुछ समय पहले तक वो चर्चाओं में भी रहे, उनकी पत्नी के एक भवन पर कथित कब्जे को लेकर। कोरबा से ज्योत्सना महंत को जिम्मेदारी दी गई है, क्यों दी गई है वो भी हम लगातार डिकोड कर रहे हैं। डहरिया हमेशा आरंग से विधानसभा चुनाव लड़ते रहते हैं, ये पहली बार होगा जब इस लोकसभा के लिए उन्हें यहां पर पहुंचाया जा रहा है। कोरबा से ज्योत्सना महंत मौजूदा सांसद है। दो जो सीट है कांग्रेस के पास छत्तीसगढ़ में, उनमें से एक कोरबा है। ज्योत्सना महंत चरणदास महंत की पत्नी है, चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ के 6 उम्मीदवार 39 में से 39 की लिस्ट आज आई है। कल पहले दौर की सीईसी की बैठक थी, अब 11 तारीख को सीईसी की बैठक होगी कांग्रेस की, तब और नाम निकलकर सामने आएंगे। 6 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। 5 सीटों पर पेंच को देखते हुए फिलहाल नाम रोक दिया गया है, लेकिन हमने जो नाम बताए थे वो लगभग वही फाइनल हुए हैं। बस्तर में पेंच फंसा हुआ है, बैज बनाम लखमा की लड़ाई चल रही है। चूंकि कवासी लखमा लंबे अरसे से बस्तर में एक्टिव हैं और दीपक बैज टीम राहुल का हिस्सा है, यह भी एक पेंच है। तो न्यूज 18 की खबर पर असर, और हमने जो नाम बताए थे आपको वही लगभग फाइनल। रायपुर से विकास उपाध्याय की दावेदारी मजबूत क्यों है, वो हम लगातार आपको डिकोड कर रहे थे। तो रायपुर से विकास उपाध्याय, इनके सामने होंगे ब्रजमोहन अग्रवाल। ब्रजमोहन अग्रवाल लंबा चौड़ा उनका अनुभव है, वो मंत्री भी हैं और मोहन भैया के तौर पे ब्रजमोहन अग्रवाल को जाना जाता है। अगर उनकी लोकप्रियता का अंदाजा आपको लगाना है, ऑटो के पीछे आप देख सकते हैं भैया में भैया, मोहन भैया। मोहन भैया चुनाव मैदान में है, उनके सामने विकास उपाध्याय को उतारा गया है जो अपना पिछला चुनाव हारे हैं। लेकिन विकास उपाध्याय की खासियत ये कि वो टीम राहुल का हिस्सा है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा जैसे कि हमने कहा 11 लोकसभा सीटें हैं, 6 पर नाम का ऐलान हुआ, 5 पर पेंच ज्यादा है। यह भी हो सकता है कि फिलहाल इसे टाल दिया गया हो। लगातार हम डिकोड कर रहे हैं कि आखिर क्यों इस तरह से मौका दिया जा रहा है, विकास उपाध्याय को मौका क्यों दिया गया। शिव डहरिया का जैसे हमने आपको बताया पूर्व मंत्री हैं, अच्छी पकड़ रखते हैं, एससी वर्ग से आते हैं, उसी के लिए यह सीट रिजर्व है। महासमुंद में ताम्रध्वज साहू को शुरुआत में नाम चला धनेन्द्र साहू का, क्योंकि साहू वोटर वहां पर ज्यादा हैं, लेकिन मौका मिला है ताम्रध्वज साहू को। ताम्रध्वज साहू के बारे में जान लीजिए, जबकि प्रचंड मोदी लहर चल रही थी तब वो दुर्ग सीट बचाने में कामयाब रहे थे और अब उन्हें महासमुंद की जिम्मेदारी दी गई है। दुर्ग में बीजेपी की तरफ से, दुर्ग से जो प्रत्याशी उतारा गया बीजेपी की, ममता के पास हम आपको लिए चलेंगे सीधे रायपुर। दीपक बैज उनके साथ बने हुए हैं। ममता, दीपक बैज से चर्चा की शुरुआत करें आप, फिर मैं बीच में सवाल भी लेता रहूंगा। ममता प्लीज। बिल्कुल, देखिए न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है और हमने सबसे पहले दीपक बैज से बात भी की है। दीपक बैज से हम बात करते हैं एक बार फिर से। ये बताइए कि शिव डहरिया जो है वो जांजगीर चांपा से हमने बताया था, भूपेश बघेल राजनांदगांव से लड़ेंगे और इसके साथ दुर्ग से हमने बताया था कि राजेंद्र साहू लड़ेंगे, विकास उपाध्याय रायपुर से और महासमुंद से ताम्रध्वज साहू लड़ेंगे, हमने थोड़ी देर पहले ही बताया है। न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगा, लेकिन ये पूरा जो नाम, ये जो नाम दिए गए प्रत्याशी जो चयन किए गए, इसको किस तरह का समीकरण देखें? देखिए हम लोग जो 6 प्रत्याशी को अभी डिक्लेयर हुआ है, घोषणा हुआ है, सभी समीकरण देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया, सीईसी ने निर्णय लिया, आलाकमान ने निर्णय लिया कि हम मैदान में उतारेंगे, लोकसभा चुनाव लड़ाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं हमको, कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। ये चेहरे मजबूत चेहरे, जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में पहचान है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ना हमारा मकसद है, ताकि हमको देश में सरकार बनाना है, ये हमारा प्रमुख लक्ष्य है। इसलिए हम लोग मजबूत चेहरा उतारे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। भूपेश बघेल राजनांदगांव से लड़ेंगे, डॉक्टर रमन सिंह का इलाका है, वो पूरा मतलब क्षेत्र कहलाता है और काफी बड़े मतों वोट अंतर से वो जीते भी हैं। तो क्या किस तरह से चैलेंजिंग मानते हैं पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों जो है वो आपस में? देखिए क्या है, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, उनके लिए कोई चुनौती नहीं है। वो तो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो तो 11 लोकसभा चुनाव में लड़ सकते हैं, उनके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक है, बाकी सीटें रिजर्व है तो वहाँ जाना संभव नहीं है, तो कहीं भी चुनाव लड़ ले, उनके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मजबूत चेहरा है और उनके लड़ने से पार्टी को फायदा होगा। लेकिन सर राजनांदगांव में गिरीश दिवागर जरूर लड़ रहे थे, लेकिन ये कहा जा रहा था कि भूपेश बघेल जो है वो एक तरह से वो उनका चेहरा लड़ रहा है और वैसे में उनको हार हुई, तो फिर अब लोकसभा में? देखिए अब तो विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में तो परिणाम सब लोगों ने देखे, लेकिन उस परिणाम से हम हताश नहीं है, निराश नहीं है। लेकिन हम लोकसभा चुनाव नई ऊर्जा और नई ताकत के साथ हम लड़ रहे हैं और बिल्कुल बिल्कुल नई ऊर्जा और नई ताकत के साथ लड़ रहे हैं। तो भूपेश बघेल के लड़ने से हमको एक सीट का हमको फायदा होगा। दुर्ग से राजेंद्र साहू, मतलब पहले तक ये चल रहा था कि ताम्रध्वज साहू लड़ेंगे, लेकिन अब उनको महासमुंद भेज दिया गया और राजेंद्र साहू जो है वो दुर्ग से लड़ेंगे। तो क्या ऐसा? देखिए राजेंद्र साहू नया चेहरा है, नया चेहरा है, उनके लड़ने से भी फायदा होगा, पार्टी को मजबूत फायदा होगा। और कहीं ना कहीं हम लोग को जिस तरह से इस समय भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक साहू को टिकट दिया है, कांग्रेस पार्टी ने 2 साहू को टिकट दिया है साहू समाज को, कहीं ना कहीं इससे कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। विकास उपाध्याय को उतार रहे हैं आप ब्रजमोहन अग्रवाल के खिलाफ, और ब्रजमोहन अग्रवाल जो है 65,000 वोटों से जीते हैं, वो भी ऐसे समय में जो महंत जो है वो खड़े हुए थे। तो आप कैसे देखते हैं विकास उपाध्याय कैसे मुकाबला कर पाएंगे जब राम मंदिर और तमाम मुद्दे हैं और हिंदुत्व का चेहरा माने जाते हैं ब्रजमोहन अग्रवाल? क्या विकास उपाध्याय हिंदू नहीं है क्या? वो तो पंडित है, सुबह से शाम तक पूजा करने वाला व्यक्ति है, उससे बड़ा पंडित तो कोई हो नहीं सकता। देखिए राम मंदिर और ये बाकी कोई इशू नहीं है, चुनाव तो मुद्दे के आधार पर होगा, और वो मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे थोड़ी बात बस्तर पर भी बहुत सारे मुद्दे, इन मुद्दों का हम चुनाव लड़ेंगे। और विकास उपाध्याय मेहनती है, युवा है और सबके बीच में पकड़ रखते हैं, लोकप्रिय है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा हम लोग को मिलेगा। अब सर जो बाकी की सीटें बची हैं, और दूसरी बात अगर हमने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे पूछा था बस्तर की जो सीट है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि बस्तर की सीट को लेकर क्या दीपक बैज जो है उनका नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उन्हीं की वजह से अटकी हुई है कि असमंजस की स्थिति में है वो कि मैं लड़ूं ना लड़ूं। देखिए मैंने तो मेरा सीट पे तो पार्टी को डिसीजन करना है, दीपक बैज लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, और मैंने तो आला कमान को अवगत करा दिया। कहा जा रहा है बीजेपी मनोवैज्ञानिक बढ़त में है, कर दे दीपक बैज उसके लिए तैयार है। महेश में कहीं कोई सनसनी है, बाकी जो बचे हुई सीटों में भी लगभग पूरी तरह से क्लियर है, थोड़ा सा डिस्कशन मांगा है, बस उस डिस्कशन में हम लोग पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। राम मंदिर का मुद्दा हो सर, लेकिन और इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो 11